आज श्री मुक्तसर साहिब जिले के अनाज मंडी में दोदा आधिकारिक बोली का उद्घाटन करने पहुंचे पंजाब के नवनियुक्त परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजावंडिंग। इस मौके पर अमरिंदर सिंह राजावंडिंग ने कहा कि सरकार धान की फसल बेचने में किसानों को कोई परेशानी नहीं होने देगी और जब तक अनाज मंडियों में धान की आवक बनी रहेगी तब तक खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी खरीद एजेंसियों को किसानों द्वारा अनाज मंडियों में लाई गई फसल को 72 घंटे के भीतर खरीदने के निर्देश जारी किए हैं और सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मंडियों में किसानों की फसल की खरीद करना है। उन्होंने आगे कहा कि यदि खरीद एजेंसियों का कोई अधिकारी या कर्मचारी धान की फसल खरीदते समय किसानों को परेशान करता पाया गया तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मंडियों में जैसे ही किसानों द्वारा धान की फसल बिक्री के लिए लाई जाती है उसी आधार पर खरीद की जाए। कैबिनेट मंत्री ने गांव दोदा के किसान जीत सिंह गिल द्वारा अनाज मंडी में लाई गई धान की फसल से खरीद की शुरुआत की। जी ट्रांसफार्मर माफिया तो कंजा कैसे है तो कुछ चल रहे हो दे बारे तो सब के की हो रहे हो दे बारे अनाज मंडी से। देखो जी मैं आज अनाज मंडी दे विच आया है। साडे तमाम ऑफिशियल एसडीएम साहब आन ते तमाम जेड़े डीएफएससी ते सारे संबंधित महकमे दे लोग इंस्पेक्टर साहब आन इत्थे आए है। सो सरकार ने जेड़ा हमेशा वादा कीता है साढ़े चार साल एक भी किसी किसान को दिक्कत नहीं आन दी असी मंडी दे विच और बड़ी बेखूबसूरती दे नाल साडे मंत्री साहबान आश भारत भूषण आशू जी ते सरकार ने साढ़े चार साल किसानों दीयां फसलां चुकियां। सो ये मैनू लगता सरकार दे विच इलैक्शन आने तो पहला अखीरली फसल है। सो साडी पूरी तैयारी है कि किसान नू किसे तरीके की कोई परेशानी ना आवे। उधर केंद्र सरकार की पूरी तैयारी है कि इन्हां नू रोजाना परेशान करो ता जो एक तो इलैक्शन का समय है एक किसान नाल जिहड़ी ओह लड़ाई चल रही है उहदे विच होर रिफ्ट पाईए ते इन्हां दा मनोबल सिटीए। लेकिन साडे मुख्यमंत्री साहब चन्नी साहब इस ते पूरे दृढ़ हैगे ने साडे मंत्री साहब भी और मैं भी अज मंडियां च आया असी पूरी सरकार इस गल ते दृढ़ है कि किसे प्रकार की कोई परेशानी किसान नूं आउण नहीं देंगे। बेशक सानूं मंडियां च आप रोजाना जाना पवे किसान की फसल चकनी सब तो जरूरी अहम साडे वास्ते विषय है जिहड़ा हुण है। सो दूजी गल तुसीं बसां दी कीती है मैं सिकंजा सिकुंजा तो मैं किसी से की कसना है। मेरा तो एक ही काम है कि लोग माफिया की गल करते माफिया की। सो ट्रांसपोर्ट माफिया होए बेशक रेत माफिया होए बेशक कोई केबल माफिया होए सो मैनू कुदरती ट्रांसपोर्ट का काम मिल गया। सो मैं चाहना कि उत्थे कायदे कानून लागू होन बेशक वो बस किसी की भी है बेशक वो किसी परिवार नाल संबंधित है बेशक वो राजनीतिक परिवार नाल संबंधित है। सो मैं वो निरंतर वो जड़ियाँ सारिया गल् जोड़े रूल एंड रेगुलेशनस है जो जड़िया कमिया से उन्होंने पूरिया करा रहे और उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं कितने ना कि बसा के टाइम जी बहुत ज़्यादा अंतर है ज़्यादा टाइम दिता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो काफ़ी देर का पुराना है। व्डे लोगों ने आपकी बस में 10 मिनट तो सरकारी बस में 2 मिनट या छोटे ओपरेटर 2 मिनट उन्होंने 10 मिनट वड्डे चो फिर पूरी सवारी चक के जाते अगे भी ला के जाते हैं। सो असी टाइम टेबल बनाने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं और मैं उम्मीद है कि जो टाइम टेबल 14 साल नहीं बनिया उन्होंने असी हूँ सिरे ला दें। R9 से बूटा सिंह की रिपोर्ट श्री मुक्तसर साहिब पंजाब। आज श्री मुक्तसर साहिब में अध्यापक जत्थेबंदियों और अन्य जत्थेबंदियों के कच्चे मुलाजिमों के द्वारा कैबिनेट मंत्री अमरिंदर सिंह राजावरिंग के घर का घेराव किया गया। पुलिस ने सुबह से ही सुरक्षा के प्रबंधन किए हुए थे। पुलिस ने 3 परतों में सुरक्षा घेरा बनाकर बैरिकेड लगा दिए थे लेकिन कच्चे मुलाजिमों ने सुरक्षा का घेरा तोड़ते हुए कैबिनेट मंत्री राजावरिंग के घर के आगे धरना लगा दिया गया। कच्चे मुलाजिमों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि उन्हें पक्का किया जाए। पंज की नाम है तुम्हारे? कमलजीत कौर जी मैं स्टाफ नर्स हूं बरनाले तो आई हूं। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰਿਆ ਕੀ ਕਰ? ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਦ ਚੱਕਣਾ ਸਫਾਈ ਕੱਢਣਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੇਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੰਦ ਚੱਕਣਾ। ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ
जाके कर उथे तो जेडे तुसी बेचारे साडे वर्गे कच्चे मुलाजम रखे हुए उन्हां तो कराउंदी हो डंडे नाल गंद साफ करो आपदियां नीतियां साफ करो आपदियां पॉलिसियां साफ करो ताकि साडे वर्गियां नूं पढ़े लिखे जेडे असीं डिग्रियां करके इन्ने इन्ने पैसा खर्च करके सड़कां ते रोलना पै रहा सानूं असीं सड़कां ते ना रुलदे। मैम किन्नी सैलरी है जेडी तनखाह तुहाडी आ? 10,000 सैलरी मिलदी है वीर सानूं। किन्नी तनखाह दी मंग कर की मंग? असीं तनखाह दी मंग नहीं, असीं रेगुलर होण दी मंग करदे आ। जिन्ना पंजाब सरकार ने रेगुलर मुलाजमां लई स्केल मिथ्या होया ना स्टाफ नर्सां नूं मिलदा, असीं ओने रोजगार दी मंग करदे सरकार ने। की नाम है तुहाडा जी? मेरा नाम बलवीर सिंह गिल्लांवाला। सर तुसीं ट्रांसपोर्ट मंत्री दे घर दे बाहर दे बैठे हो, की काम है? अज असीं पूरे पंजाब दे विच चार पड़ावां दे विच प्रगट सिंह कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ते उप मुख्यमंत्री रजिंदर सिंह रंधावा ते नाल ये कैबिनेट मंत्री राजा वड़िंग दे कोठी मूहरे अज असी अपनियां लंबे समय तो लटकदियां मंगां नूं लैके अज असी धरना देण आए हैं। सर की मंगां जिहड़ियां तुहाडियां किहड़े महकमे च? साडा वन विभाग महकमा है, असी वन विभाग दे विच लंबे समय तो कम करदे हां ते पिछली अकाली दल सरकार ने 31/12/2016 नूं एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि वख वख विभागों के अंदर 3 साल की सेवा वालों नूं रेगुलर किया जाए, पर उस समय वो नोटिफिकेशन नूं ये सरकार कैप्टन दी आई इन्होंने रेगुलर करन दी बजाए उस नोटिफिकेशन नूं हाले तक एप्लीमेंट नहीं किया। साडी मंग है कि वो 31/12/2016 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए ते वख वख विभागों के अंदर 3 साल की सेवा वालों नूं रेगुलर। R9 से बूटा सिंह की रिपोर्ट, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब।